वहीं सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निरोगी हरियाणा योजना के तहत अंत्योदय सूचीबद्ध परिवार जिनकी आय 1,80,000 रुपए प्रतिवर्ष से कम है उनको मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 जिलों में 177 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि HSPP के सभी सेक्टर में सुविधा केंद्र खोले जाएंगे और हर सेक्टर में कम से कम एक CFC होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा में 12वीं पास करने वाले छात्रों को मुफ्त में पासपोर्ट भी बनाए जाएंगे। निरोगी हरियाणा वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच, पहले बार तो 2 वर्ष शायद लग जाएंगे क्योंकि इस योजना में उतना इक्विपमेंट उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना उसके लिए भी समय लगेगा, लेकिन अभी उसको प्रारंभ कर दिया है 80,000 लोगों का और ये परीक्षण जांच हो चुकी है। करना 1.25 करोड़ का पहले उस चरण में है तो इस पर भी समय लगेगा लेकिन प्रारंभ हो गया है। जो परीक्षण जांच में छोटी बड़ी कोई कमी पाई जाती है इस शारीरिक परीक्षण में उसका इलाज तुरंत कराने की सुविधा भी उनको मिलती है। तो इस निरोगी हरियाणा का भी कार्यक्रम इस वर्ष हमने ये शुरू किया है। आज हरियाणा के शहरों में बहुत ऐसी कॉलोनीज हैं जो अभी अनियमित हैं, जिनको नियमित कराने के लिए बहुत प्रयत्न लोग करते रहे हैं। हमने 2 साल पहले ऐसा इनवाइट किए थे कि ऐसी कॉलोनीज 800 और 45 कॉलोनीज अनधिकृत कॉलोनी इनकी पहचान की गई थी। कुछ उसके अंदर उसका जो सर्वे करने के बाद और उसमें RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी एक टेम्परेरी हमने बनवाई है ताकि कोई ना कोई उसकी जिम्मेवारी ले जो काम वहां करवाने के हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है लेकिन आज जितनी पूरी हो गई है उसकी मैं घोषणा करता हूं, 8 जिलों के 177 कॉलोनीज को आज नियमित किया जाता है। हमारा HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उन्होंने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर ये आज शुरू किया जाएगा और इससे सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर अर्थात नागरिक सुविधा केंद्र, इसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी संबंधी चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग के हों चाहे ULB के हों चाहे HSVP के हों, किसी प्रकार के सुझाव हैं कोई उनकी शिकायतें हैं किसी प्रकार की उनकी यानी बायोमेट्रिक उनका प्रमाणीकरण करते हुए उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट उनको बनवाना है तो उसका भी सीधा सीधा उनको लाभ इस केंद्र पर मिलेगा। जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने पर अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है कोई कार्यक्रम उसका बनता है तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए, ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़ करके। इसके साथ ही CM मनोहर लाल ने कहा कि पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है, इसके लिए एक पुलिस इन्फोर्समेंट विंग का गठन किया जाएगा। सोनीपत में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने सोनीपत पुलिस में कमिश्नरी सिस्टम को लागू करने की बात कही है। पुलिस का बहुत बड़ा एक काम लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को रोकना ही तो रहता ही है लेकिन बहुत चीजों की एनफोर्समेंट, जैसे माइंस है वहां भी पुलिस के लोग चाहिए, जैसे एनक्रोचमेंट इलीगल है उसको हटाने के लिए भी चाहिए, कहीं इरिगेशन की आवश्यकता होती है कहीं पावर के लिए आवश्यकता होती है कहीं ट्रांसपोर्ट के लिए, तो जितना बड़ा काम है कई बार उस पर ध्यान पूरा नहीं जाता गौण हो जाती है। तो आज ये घोषणा भी की जाती है कि एक पुलिस का एनफोर्समेंट विंग ये अलग से बनाया जा रहा है, अलग से इसके थाने होंगे, अलग से इनकी जो पुलिस का बल होगा वो अलग से होगा, हालांकि उसी पुलिस बल में ही आना जाना और ट्रांसफर करना ये सब होगा उसी में से लोग रहेंगे, लेकिन अलग व्यवस्था करने के बाद इन सब विभागों की ओर पूरा ध्यान जा पाएगा तो एक एनफोर्समेंट विंग पुलिस का बनेगा और ADGP एनफोर्समेंट अलग से एक पोस्ट बना करके और इस काम को शुरू किया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने भी आज कुछ संकल्प लिए हैं, कुछ नई चीजें इनकी घोषणा की है। अभी तक हरियाणा में 3 कमिश्नरीज पुलिस कमिश्नरीज थी, गुरुग्राम फरीदाबाद और पंचकुला। आज से जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगी एक और सोनीपत जिले में भी कमिश्नरी इसको बनाने की भी घोषणा की जाती है क्योंकि बहुत विकास हो रहा है सोनीपत जिले का और उस प्रकार की आवश्यकता भी महसूस हो रही है, एक ये कमिश्नरी की घोषणा भी हम कर रहे हैं।